हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं डीओए की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस समय पर हम विजिट कर रहे हैं। आइए हम अपडेट को चेक कर लेते हैं टीचिंग रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, जो भी अपडेट यहां जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, आपको पब्लिक सर्कुलर वाली इस ऑप्शन को क्लिक करना होता है किसी भी अपडेट को चेक करने के लिए। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कई सारे न्यू नोटिस जारी किए गए हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये मेमोरेंडम यहाँ जारी किए गए थे टीजीटी हिंदी मेल पोस्ट कोड 34/21 के 70 मेमोरेंडम, यहाँ तक कि ये सारी अपडेट कल शाम को हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। और हमारे वीडियो अपलोड करने के बाद वेबसाइट पर जो भी अपडेट आई है फ्रेंड्स, वो ये अपडेट यहाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, तो इसमें आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर एक्सटेंशन एंड ये कोरिएंडम वगैरह, तो जो भी नई अपडेट जारी की गई है डीओई के द्वारा, तो आइए फ्रेंड्स एक एक करके हम इनको चेक कर लेते हैं। और सबसे पहले उन कैंडिडेट को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन टीजीटी हिंदी फीमेल कैंडिडेट को अपनी सेकंड लिस्ट का इंतजार था अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स की। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बड़ा ही खुशी का दिन है, क्योंकि कल शाम में 23 दिसंबर की शाम को टीजीटी हिंदी फीमेल की जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स हैं, बाकी के जो रहते थे वो लिस्ट जारी कर दी गई है। तो आइए हम अपडेट को चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पहले नोटिस हम देख लेते हैं कोरिएंडम। ये कोरिएंडम जारी किया गया है कल शाम को, 23 दिसंबर 2022 की लेटेस्ट अपडेट है। और ये पीजीटी हिंदी मेल पोस्ट कोड है 68/20। तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन किया गया है, कुछ ये कैंडिडेट हैं 1 से लेकर 3 तक की, जो ये यहाँ पर सीरियल नंबर दिए गए हैं, तो ये 3 कैंडिडेट हैं। नेम इनके बता दिए गए हैं और एम्प्लॉय आईडी बता दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, इस कॉलम में आपके नेम और एम्प्लॉय आईडी दे दी गई है। तो राजेंद्र कुमार, इनकी एम्प्लॉय आईडी ये दे दी गई है। इसी तरह से ये सेकंड कैंडिडेट है, इनकी एम्प्लॉय आईडी ये दे दी गई है। तो इनको जो स्कूल अलोकेट किए गए थे इनके नेम के सामने ठीक बताए गए हैं, बट यहाँ पर अब मॉडिफिकेशन किया गया है इनकी पोस्टिंग के रिगार्डिंग। अब इनके ये स्कूल चेंज कर दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस नोटिस को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको रिपोर्ट जो करनी है, अब ये नए जो आपके मॉडिफाइड स्कूल है जहाँ आपकी पोस्टिंग होनी है, वो आपके मेंशन कर दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए नेक्स्ट नोटिस को हम देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सर्कुलर जारी किया गया है रिगार्डिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑफ प्रमोटेड टीचर्स फ्रॉम असिस्टेंट टीचर प्राइमरी नर्सरी टू टीजीटी। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं इस सर्कुलर में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाना है, जो भी यहाँ पर प्रमोटेड टीचर्स हैं जिनको असिस्टेंट टीचर प्राइमरी से लेकर के या फिर नर्सरी से टीजीटी कर दिया गया है, प्रमोट कर दिया गया है जिनको, तो उनका अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। उसी के रिगार्डिंग ये सर्कुलर जारी करके आप लोगों को बताया गया है। तो फ्रेंड्स, इसे आप देख लीजिएगा अगर आपसे रिलेटेड है। तो देखिए, सच टीचर्स पोस्टेड इन डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट बी सेकंड एज पर द लिस्ट अटैच्ड एज एन एक्सर ए आर हेयर बाय डायरेक्टेड टू रिपोर्ट फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ देयर डॉक्यूमेंट्स 27 दिसंबर 2022 at 11 AM मॉर्निंग। आपको ये समय दिया गया है और वेन्यू आपका ये बता दिया गया है जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके यहाँ चेक किए जाएंगे। प्रशांत विहार दिल्ली, स्कूल आईडी आपकी ये बता दी गई है, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जहाँ का ये वेन्यू दिया गया है। और ये लिस्ट आपकी यहाँ बता दी गई है, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी नर्सरी प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ टीजीटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको आप देख लीजिएगा। ये यहाँ पर आपकी एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय के नेम, स्कूल की आईडी, पोस्ट हेल्ड जो आपकी पोस्ट है, स्कूल जो आपका अलोटेड है, और न्यू पोस्ट आपकी क्या है जो प्रमोशन के बाद आपकी पोस्ट की गई है, जैसे कि यहाँ पर आपकी नई पोस्ट है टीजीटी इंग्लिश। ठीक है, ये आपका शेड्यूल दे दिया गया है। इसी तरह से आप इनको अपने अकॉर्डिंगली चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और ये चेक लिस्ट जरूर देख लीजिएगा, चेक लिस्ट में आपके डॉक्यूमेंट बता दिए गए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको रिसेंटली प्रमोटेड जो असिस्टेंट टीचर्स हैं, जो भी ये असिस्टेंट टीचर प्राइमरी से या नर्सरी से टीजीटी बने हैं, उन सभी टीचर्स के लिए, प्रमोटेड टीचर्स के लिए ये डॉक्यूमेंट बताए गए हैं, जो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान प्रेजेंट करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको आप देख लीजिएगा, ये बिल्कुल क्लियरली इन्होंने सारी चीजें बता दी गई है। अगर आपका कोई रिजर्वेशन का है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर रिक्वायर्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी ये सारी चीजें आप देख लेना, चेकलिस्ट में जो भी बताए गए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स आप जरूर लेकर जाइएगा, ताकि सक्सेसफुली आपका डॉक्यूमेंटेशन किया जा सके। और ये यहाँ पर पर्सनल डिटेल के रिगार्डिंग जो वेरिफिकेशन का परफॉर्मा है प्रमोटेड टीचर्स के लिए, वो इसको भी आप फिल करके लेकर जाइएगा, ये सर्टिफिकेट वगैरह सारा इसको स्क्रोल करके देखिएगा। आपसे रिलेटेड जो भी यहाँ अपडेट है उसे आप जरूर चेक कर लीजिएगा। और ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, काफी स्टूडेंट थे जो हमसे बार बार इसके बारे में पूछ रहे थे कि मैम हमारे जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स हैं कब तक जारी किए जाएंगे। और फ्रेंड्स, हमने आपको बोला था
कि दिसंबर के लास्ट वीक में आपके अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे और एज ए रिजल्ट आप देख सकते हैं दिसंबर के लास्ट वीक में आपको आपके अपॉइंटमेंट ऑर्डर बिल्कुल मिल चुके हैं। तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर किस पोस्ट की हम बात कर रहे हैं, पोस्ट कोड 33/21 की TGT हिंदी फीमेल के रिगार्डिंग यहाँ पर अपडेट है ये। और कल शाम को ही ये लिस्ट जारी की गई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, हो सकता है आपके ऑर्डर्स भी यहाँ जारी किए गए हों। और फ्रेंड्स देखिए, जो मेडिकल का एग्जामिनेशन है उसके लिए आपको 2 मंथ यहाँ पर दिए जाएंगे। पहले आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम किया जाएगा। मेडिकल एग्जाम में अगर 2 मंथ के अंदर आप अनफिट रहते हैं तो 1 मंथ और एक्सटेंड करके ये आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। अगर फिर भी आप अनफिट पाए जाते हैं तो फिर आपको यहाँ प्रोविजनली टर्मिनेशन के ऑर्डर दे दिए जाएंगे। और अगर आप फिट रहते हैं तो फिर आप प्रोविजनली परमानेंट टीचर यहां पर बन जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक प्रोसेस है यहां DOE के द्वारा जो ये कंप्लीट की जाती है। और इसके बाद फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं जो OBC कैंडिडेट हैं या EWS के जिन्होंने या रिजर्वेशन के लिए अपना अप्लाई किया हुआ है, तो इनके सर्टिफिकेट में अगर कोई भी इनवैलिडिटी मिलती है या इनएलिजिबिलिटी मिलती है तो इनको इमीडिएट इफेक्ट के साथ यहाँ पर टर्मिनेशन के ऑर्डर कर दिए जाएंगे। ठीक है, और आप देखिए आपको डायरेक्ट किया गया है यह रिपोर्ट करने के लिए जो भी आपके पोस्टिंग प्लेस हैं। लेटेस्ट डेट आपको दी गई है 23 जनवरी 2023। तो 23 जनवरी 2023 आपका यहाँ पर रिपोर्टिंग का समय दिया गया है फ्रेंड्स। और अगर आप यहाँ फेल रहते हैं रिपोर्ट करने में तो आपके अपॉइंटमेंट को यहाँ कैंसिल किया जा सकता है विदाउट एनी फर्दर कम्युनिकेशन। ओके फ्रेंड्स, तो आप देखिए बिल्कुल 1 मंथ आपको यहाँ दिया जा रहा है आपके पोस्टिंग प्लेस पर रिपोर्ट करने के लिए। तो आप देखिए यहाँ पर अपने एम्प्लॉय के नेम आपके इस कॉलम में देख सकते हैं, पोस्ट आपकी ये बता दी गई है और डेट ऑफ बर्थ आपकी इस कॉलम में रहेंगी फ्रेंड्स। कैटेगरी आपकी यहाँ इस कॉलम में मेंशन की गई है और पोस्टिंग आपकी जिस भी जगह पर की गई है वो पोस्टिंग प्लेस यहाँ बता दिए गए हैं। तो इनको अपने नेम के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ये आरती कैंडिडेट है, एम्प्लॉय का नेम है, इनकी एम्प्लॉय आईडी है, पोस्ट आपका डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी और ये आपका पोस्टिंग प्लेस है। ठीक है, इस तरह से आप इनको चेक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये सेकेंड लिस्ट यहाँ जारी की गई है, काफी कैंडिडेट आप देख सकते हैं, 107 कैंडिडेट है ये जिनके की अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स जारी किए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो भी लेटेस्ट अपडेट DOE के द्वारा जारी की गई थी वो सब हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा ताकि ये अपडेट रिलेटेड कैंडिडेट तक पहुँच सके और वो इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट ले सके। और चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स D++B DOE एंड ऑल ओवर इंडिया से टीचिंग रिक्रूटमेंट की हर अपडेट को पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर लेटेस्ट अपडेट की इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।